नमस्कार, मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं डेली नया सीखो। फ्रेंड्स देखिए, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको अपना खुद का क्यूआर कोड बनाना है, यानी कि अगर आपको खुद का अपना क्यूआर कोड बनाना है, जैसे कि आप उसमें अपनी वेबसाइट डाल सकते हैं, कुछ अगर आपको लिखना है वो आप क्यूआर कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने ईमेल आईडी, अपना फोन नंबर, अगर आपको कुछ भी अपना क्यूआर कोड में बनाना है, यानी कि खुद का क्यूआर कोड बनाना है, तो आप कैसे बना पाएंगे, सारी जानकारी हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और कुछ नया आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो में बने रहिए जिससे कि हम आपको बता सके कि आप कैसे फ्री में घर बैठे खुद का अपना क्यूआर कोड को बना सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, आज का टाइम एक डिजिटल टाइम है, यानी कि हर कोई कुछ यूनिक करना चाहता है। अगर आप भी कुछ यूनिक करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल नंबर को, ईमेल आईडी को, ऐप को, यानी कि आपका कुछ भी मैसेज वगैरह भी है तो उसको भी आप क्यूआर कोड से किसी को भी भेज सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या आपने उनको भेजा है। बहुत ही अच्छी वीडियो है, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली है। देखिए, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। जब भी आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आप डायरेक्टली इस पेज पर यहाँ पे पहुंच जाएंगे। देखिए, पेज कुछ इस तरीके का होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। ईमेल आईडी जब आपके पास होगी तो आपको इसमें उससे साइन अप करना पड़ेगा, यानी कि आपको अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट कैसे बनाना है, जैसे कि देखिए आप यहां देख सकते हैं, साइन इन टू क्रिएट डायनामिक क्यूआर कोड, इस पे आपको क्लिक करना है। देखिए यहां पे आपसे पूछ रहा है साइन इन विद गूगल। अगर आपके पास जीमेल पहले से है तो आपको इस पे साइन इन विद गूगल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो आपसे वहां पे आपकी ईमेल आईडी पूछेगा। जैसे कि हम अपनी यहां पे पहली वाली जो ईमेल आईडी उसको क्लिक कर देते हैं और हम इस पे यहां पे लॉग इन हो जाएंगे। देखिए आप देख सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पे लॉग इन हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ क्रिएट क्यूआर कोड, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, उसके बाद आपको स्किप टावर है, इस पे आपको स्किप कर देना है। देखिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं माई क्यूआर कोड्स, माई ऑसम कोड्स, यानी देखिए आप इसमें क्या क्या अपना बना सकते हैं। देखिए अगर आपका कोई यूआरएल है तो उसका आप बार कोड बना सकते हैं। अगर आपको किसी को कोई मैसेज लिखना है और आप नहीं चाहते कि किसी को समझ में आए कि आपने मैसेज में क्या लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे जो भी टाइप करेंगे, आप जो भी यहाँ पे टाइप करेंगे उसका भी आप क्यूआर कोड बना सकते हैं। उसके बाद देखिए कॉन्टैक्ट, ठीक है, इसको हम यहाँ से डिस्कार्ड कर देते हैं कॉन्टैक्ट। अगर आपको अपना कोई कॉन्टैक्ट भी अगर उनको भेजना है, जैसे कि आपको अपना नाम वगैरह, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस वगैरह कुछ भी अगर आपको भेजना है तो उसका भी आप अपना क्यूआर कोड बना सकते हैं, ठीक है। और उसको देखिए पीडीएफ, अगर आपको पीडीएफ से भी अगर कोई क्यूआर कोड बनाना है तो वो भी आप इसे बना सकते हैं, डायनामिक क्यूआर कोड। अगर आपकी कोई ऐप है, देखिए अगर आपका कोई ऐप है उसका भी अगर आपको किसी को अपना क्यूआर कोड बना के सेंड करना है तो आप अपना यहाँ पे देखिए जो आपके एंड्रॉइड ऐप है उसका यूआरएल, अगर कोई आईओएस है तो उसका भी आप यूआरएल लिख सकते हैं, यूआरएल टू ओपन अदर डिवाइसेस। अगर आपको किसी और डिवाइस में ओपन करना है तो वहां का भी आप यहाँ पे यूआरएल लिख सकते हैं। और आता है ईमेल आईडी, अगर आप अपना ईमेल आईडी भेजना चाहते हैं उसमें सब्जेक्ट वगैरह, मैसेज वगैरह, तो वो भी आप इसमें लिख के क्यूआर कोड को बना सकते हैं। और देखिए इसमें क्या है, देखिए अगर आप अपना फोन नंबर भेजना चाहते हैं क्यूआर कोड से तो आप अपना फोन नंबर भी भेज सकते हैं, और अगर आप किसी को एसएमएस भेजना चाहते हैं अपने मोबाइल के थ्रू तो उसका भी आप पूरा एक क्यूआर कोड बना सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई फ्री टेक्स्ट लिखना है, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे अपने बारे में कुछ बताना है, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई नेम इज सुशील कुमार, ठीक है, जैसे कि मेरा यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया, मुझे इस चीज का क्यूआर कोड बनाना है। देखिए सामने आप देख सकते हैं ये क्यूआर कोड है, आपको जैसा भी क्यूआर कोड चाहिए, देखिए फर्स्ट है, देखिए नीचे भी है, सेम है, देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं आपको जिस तरीके का चाहिए, रंगीन चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, आपको यूट्यूब का अगर बनाना है, अगर आपको फेसबुक का बनाना है, किसी भी तरीके का कोई भी क्यूआर कोड बनाना है तो आप बड़ी आसानी से इसमें बना सकते हैं। देखिए हमें यहाँ पे कलरफुल बनाना है ये वाला, ठीक है, तो इस पर जैसे ही हम यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख रहा ना डाउनलोड क्यूआर कोड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए फाइल नेम, आप जो भी इसमें फाइल नेम देना चाहते हैं, जैसे कि हम इसमें डाल देते हैं 1, ठीक है, उसके बाद आपको उसको यहां से डाउनलोड कर लेना है।
देखिए अब आपका जहां पर भी आपको ये सेव करना है, आपको यहाँ पे सेव करना है तो आप यहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं। देखिए आपका जो कोड है वो सेव हो चुका है, अब इसको ओपन करके देखते हैं। देखिए ये बारकोड बन चुका है। अब इससे क्या होगा, अगर आप इस बारकोड को किसी को भी सेंड करेंगे, ठीक है, वो जैसे ही इसको स्कैन करेगा तो वहां पे लिखा हुआ आएगा माय नेम इज सुशील कुमार, यानी कि आप जो भी उसमें लिखेंगे वो चीज इस कोड के अंदर है, लेकिन किसी को नहीं मालूम है आपने ये कोड किस लिए किसी को भेजा है, यानी कि आपकी प्राइवेसी भी रहेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, और लेकिन ये आपको ही पता है कि इस बारकोड के अंदर क्या है। जैसे कि मान लीजिए आपकी बहुत सारी लंबी लंबी डिटेल्स है, ठीक है, जैसे कि आपका नेम है, ठीक है, आपकी कोई फर्म है, आपको टाइटल देना है, ईमेल आईडी देनी है, या आपको एक तरीके से मान लीजिए आपको पूरा अपना विजिटिंग कार्ड एक तरीके से आपको उसमें बनाना है, पूरा नाम वगैरह डाल के सब कुछ बनाना है, तो आप इस फॉर्म को यहाँ पे को पूरे को फिल करके बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि अब जैसे कि देखिए हमने एक ये कॉन्टैक्ट है पूरा एक डेमो की तरह हमने यहाँ पे फिल कर लिया, ठीक है, कोई वैसी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे डेमो के लिए डाल दी, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए आपको इसका पूरा QR कोड बनाना है, तो आपको यहाँ पे फिर से जाना है जिस भी तरीके आप कोड को लेना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ पे लेना है ये वाला बारकोड लेना है, ठीक है, ये वाला बारकोड लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड QR कोड पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे फाइल नेम दे देना है, उसके बाद आपको यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेना है, अभी आपसे पूछेगा, उसके बाद आपको इसको यहाँ पे सेव कर देना है। देखिए आपने जो भी डिटेल यहाँ पे फिल की है उसका जो बारकोड है QR कोड वो यहाँ पे बन चुका है, आपको हम ओपन करके दिखा देते हैं। देखिए ये पूरा बारकोड है यहाँ पे, ये पूरा बारकोड बन चुका है, जब भी आप इसको स्कैन करेंगे तो आपने अभी जो भी इंफॉर्मेशन फिल की थी वो इस बारकोड के अंदर है, वो कि किसी को नहीं मालूम है, ये केवल आपको मालूम है, जिसको आप भेज रहे हैं उसको बता सकते हैं, यानी कि इसको एक तरीके से आप प्राइवेसी की तरह भी यूज कर सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा और आपका जो बारकोड है वो भी वहां पर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब उसको देखिए आप PDF भी बना सकते हैं, इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, PDF भी आप बना सकते हैं, ऐप वगैरह भी बना सकते हैं, ईमेल आईडी भी बना सकते हैं, यानी कि आपको कुछ भी बनाना है, कुछ भी आपको अगर यहाँ पे लिखना है किसी भी तरीके का तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, उसके बाद आपको जो भी बारकोड यहाँ पे पसंद है उस पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको डाउनलोड करना है और आपका जो QR कोड है आप जिस भी तरीके से बनाना चाहते हैं वो आपका बन जाएगा, और उसको आप डाउनलोड करके किसी को भी शेयर कर सकते हैं, जब भी वो इस QR कोड को ओपन करेंगे तो उनको कुछ नया उनको उसमें दिखेगा, वो भी सोच में पड़ जाएंगे कि ये बारकोड कैसे बनाए, यानी कि इस तरीके से आप नई नई चीजें अपने फ्रेंड्स को बना के भेज सकते हैं, वो भी एकदम से सरप्राइज हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि आप कैसे खुद का अपना QR कोड जनरेट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस नहीं है, जितना चाहे आप उतने QR कोड बना सकते हैं, अनलिमिटेड है, कोई भी इसमें किसी भी तरीके का आपको पैसा नहीं देना है। अगर आप अपना कोई QR कोड बना रहे हैं, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आए आपको QR कोड बनाने में, या आपको कुछ और पूछना है QR कोड से संबंधित, तो आप हमें हर बार की तरह कमेंट कर सकते हैं, हमसे जो भी आपकी हेल्प होगी हम हमेशा आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे।